सभी ने जीएसटी सलाहकार द्वारा जीएसटी की जटिलता का फायदा उठाकर व्यापारियों को ठगने का नए तरह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद अनिल सोनवानी द्वारा खुद को जीएसटी विशेषज्ञ बताकर सभी के कई व्यापारियों का जीएसटी का काम ले लिया गया। अनिल सोनवानी ने व्यापारियों से जीएसटी के चालान पटाने और रिटर्न फाइल करने के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। लेकिन वर्तमान में कई व्यापारियों को विभाग द्वारा रिकवरी के नोटिस मिले तो अन्य जीएसटी सलाहकारों की मदद से व्यापारियों ने जब जीएसटी वेबसाइट में अपने चालान नंबर डाले तो वह फर्जी पाए गए। तब जाकर पता चला कि अनिल सोनवानी द्वारा रकम लेने के बाद व्यापारियों के चालान नहीं पटाए, बल्कि व्यापारियों को फर्जी चालान की कॉपी के साथ साथ फर्जी फाइल रिटर्न की कॉपी भी थमा दी। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने के बाद सभी लेखापाल संघ ने कमिश्नर से शिकायत कर अनिल सोनवानी समेत सभी फर्जी जीएसटी सलाहकारों की जांच कराकर लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। 2017 में लागू हुआ, उस समय जीएसटी के विशेषज्ञ सिंधी में नहीं थे, बाहर से कुछ लोग जीएसटी विशेषज्ञ बन के आए, जिसमें से एक अनिल सोनवानी जो बरघाट निवासी है, वर्तमान में सिवली में कार्यालय 12 पत्थर में खोले। उन्होंने बहुत से व्यापारियों को बताया कि मैं जीएसटी विशेषज्ञ हूँ। व्यापारियों ने उनके भरोसे पे आकर के उनको चालान हेतु पैसा एवं तिमाही रिटर्न पेश करने हेतु पैसा उनको दिया, परंतु कुछ दिनों के बाद जब देखा गया जीएसटी की साइड में कि उपरोक्त व्यापारियों का ना तो जीएसटी रिटर्न पटाया गया है और न जीएसटी का चालान पटाया गया। इस संबंध में जब अनिल सोनवानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने तो जो पैसा पटाया है वो सही पटा है और आगे कोई जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा। इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि जीएसटी की जो जटिलताएं हैं उनको देखते हुए इस टाइप के जो फर्जी जीएसटी विशेषज्ञ बल्कि शहर में आए हैं वो सैकड़ों लोगों को चूना लगाए हैं, ऐसा अनुमान हो रहा है। तो हम समस्त लेखापाल संघ के सदस्य पदाधिकारी ये मांग करते हैं कि लोगों के ऊपर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वही आरोपी सलाहकार ने भी कैमरे के सामने अपनी गलती स्वीकार की और व्यापारियों के चालान पटाने की बात कही है। मैंने सभी के चालान पैड कर दिया और सभी का ओके है, और जिसका पैड नहीं किया हूँ तो उससे मेरी पहले बातचीत हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस बताऊंगा कि क्या है। क्योंकि उस समय जिस समय चालान चालू थे, रिटर्न चालू था, तो उस समय पोर्टल प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट वगैरह देता नहीं था या चालान वो डाउनलोड नहीं होते थे जीएसटी से, क्योंकि उस समय जीएसटी डिपार्टमेंट में डैशबोर्ड ओपन हुआ नहीं था, तो वो केवल चालान पैड लेता था, इसके अलावा कुछ नहीं लेता था रिटर्न, क्योंकि डैशबोर्ड ही ओपन नहीं हुआ था। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।